अगर आप जानना चाहते हैं कि आप एक मीडिया स्ट्रीमिंग सर्वर कैसे बना सकते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आप अपने घर पर एक मीडिया स्ट्रीमिंग सर्वर कैसे बना सकते हैं। मेरा नाम है निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि एक मीडिया स्ट्रीमिंग सर्वर बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक पीसी हार्डवेयर, यानी कि जिसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क लगी हो, रैम और प्रोसेसर हो। और दूसरी चीज़ आपको चाहिए उसके अंदर इंस्टॉल करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी आपकी फाइलें होंगी, जितने भी उसके अंदर यूजर आएगा, ट्रैफिक आएगा, उन सभी को हैंडल करने के लिए उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। इसलिए दूसरी आपकी रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कई सारे मिल जाएंगे, मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप फ्री NAS नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो आप डाउनलोड कीजिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको दो वेरियंट मिलते हैं, जो पहला है वो फ्री NAS 11.1 और जो दूसरा है वो फ्री NAS 11.2 बीटा। अगर आप बीटा वर्जन डाउनलोड करते हैं तो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा यूजर इंटरफेस मिलता है, मगर जो फ्री NAS 11.1 है उसके अंदर आपको ऐसा बेहतर एक्सपीरियंस नहीं मिलता। इसलिए आपको फ्री NAS बीटा डाउनलोड करना चाहिए। अगर आप बीटा डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर आप कम से कम आपके पीसी में 2 GB रैम होनी जरूरी है, मगर आपके पास अगर बीटा के अलावा जो 11.1 है उसके अंदर आप 1 GB रैम में भी इसे चला सकते हैं। अगर आप बीटा डाउनलोड करते हैं तो वो दोनों आपको इंस्टॉल करना एक ही चीज़ है। अब बात करते हैं सबसे पहले आपको डाउनलोड कैसे करना है। अब जैसे आप फ्री NAS ऑफिशियल साइट पर जाते हैं, आपको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे आप डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक करते हैं, आपसे आपकी पर्सनल डिटेल मांगे, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जैसे आप ये डिटेल फिल करते हैं उसके बाद ये आपको अगले पेज पर ले जाएगा, जहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, एक फ्री NAS 11.1 और 11.2। अगर आप 11.2 डाउनलोड करते हैं तो आपको ये आपको किसी पेन ड्राइव में बूट करना होगा, यानी कि आपको किसी पेन ड्राइव के अंदर इसे डालना होगा या फिर कोई सीडी के अंदर। जैसे आप इसे सीडी या फिर पेन ड्राइव में डाल लेते हैं, आपको इसे अपने उस जिस सर्व कंप्यूटर का आप सर्वर बना जाते हैं उसके अंदर इसे लगाना होगा। उसके लगाने के बाद जैसे वो कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसके अंदर आपको जो BIOS की है उसे एंटर करना होगा। जैसे आप उस BIOS की एंटर करते हैं, आपको जो पेन ड्राइव लिस्ट है वो आपको दिखा देगा। जैसे आप उसमें बूट मेन्यू में जाते हैं तो आप इस पेन ड्राइव से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जैसे आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लेते हैं, इसकी प्रोसेस काफ़ी लंबी होगी, फिर से ही इंस्टॉल हो जाता है, आपको ये कहेगा कि आप अपने पेन ड्राइव को रिमूव कीजिए और उसे रिस्टार्ट कीजिए। जैसे आप उसे रिस्टार्ट करते हैं, पेन ड्राइव को रिमूव करने के बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी देर के बाद अपने आप लोड हो जाता है। उसके अंदर आपको नीचे IP एड्रेस दिखाई देते हैं, आपको उसमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे F1 से लेकर F10 तक सारे फंक्शन दिखाई दे देते हैं। साथ में आपको उसके नीचे आपके जो IP एड्रेस दिखाई देते हैं जिसे आप वेब इंटरफेस के जरिए खोल सकते हैं। जैसे आप ये IP एड्रेस अपने किसी दूसरे कंप्यूटर यानी या अपने मोबाइल में एंटर करते हैं, जो आपके सेम नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि आपने सर्वर में जो जिस वाईफाई से कनेक्ट किया सर्वर को, उसी नेटवर्क से आपको जो दूसरे डिवाइस है वो कनेक्ट होना चाहिए। दोनों डिवाइस से एक नेटवर्क से कनेक्ट है, उसके बाद जैसे ही आप ये IP एड्रेस अपने दूसरी डिवाइस में डालते हैं तो उसके अंदर आपको एक लॉगिन पेज खुलता है, जिसका यूजर नेम होगा रूट और आपने जो वहाँ पे पासवर्ड लिखे हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करने होगी। इसका यूजर नेम आपको लिखना है RWT रूट। जैसे आप ये खोलते हैं आपको सामने एक इंटरफेस ओपन होता है। इसमें जैसे आप डायरेक्टरी पर क्लिक करते हैं यानी या स्टोरेज पर, तो आपके सामने आता है कि आपके इसकी कितनी हार्ड डिस्क है, आप उसमें कितनी हार्ड डिस्क को चूज कर सकते हैं, उसका पार्टीशन बना सकते हैं, या फिर अगर पूरी हार्ड डिस्क को जोड़ना चाहते हैं तो उसे जोड़ के इसमें एंटर कीजिए। इसके बाद आपको फाइल शेयरिंग ऑन करने के लिए आपको इसमें शेयरिंग पर जाना है। उसके अंदर आपको इसमें विंडो SMB शेयरिंग ऑप्शन आ जाता है। जैसे आप उसके अंदर जाते हैं तो आपको इसके अंदर आपको फाइल शेयरिंग ऑन करना होगा, या आपसे पूछेगा कि आपकी जो फाइल है आप वो कहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको इसमें हार्ड डिस्क में आपने जो पार्टीशन बनाया है उसके हार्ड डिस्क में इसकी आपसे लोकेशन देनी होगी, पार्टीशन का नेम देना होगा। जैसे आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, आपसे इस सर्वर को एक्टिवेट या फिर आपको सर्वर ऑटोमेटिक स्टार्ट करने के बारे में पूछते हैं। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं आपका सर्वर एक्टिवेट हो जाता है। अब आपने किसी दूसरे कंप्यूटर में जाइए या फिर आपके मोबाइल में जाए तो उसके अंदर आप ES फाइल एक्सप्लोरर नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कीजिए। उसके जैसे आप नेटवर्क सेक्शन में जाएंगे आपको स्कैन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्कैन पर क्लिक करते हैं आपके सामने जो अपने जो सर्वर बनाए वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे आप उसके अंदर खोलते हैं तो आप उसके अंदर अपनी कोई भी फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उससे सेम नेटवर्क से कनेक्ट कीजिए। जैसे आप कंप्यूटर में कोई फोल्डर ओपन करते हैं वहाँ पर आपको नीचे नेटवर्क ऑप्शन दिया जाता है। जैसे आप नेटवर्क पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जितने भी डिवाइस उस नेटवर्क से कनेक्ट है वो शो हो जाते हैं, साथ ही आपका जो सर्वर है वो भी उस नेटवर्क में दिखा देगा। अब आप चाहें तो इस नेटवर्क को अपनी जो डिस्क इमेज है उसकी तरह भी जोड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों पता चल चुका होगा आप अपने घर पर एक मीडिया स्ट्रीमिंग सर्वर कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।